तबु थैंक बड़ा जाई आसे भाई चलते चलते हालत कुछ ऐसा हो गया। ये डेकोरेशन है भाई इनका, सोवियत टाइम का, सेम सोवियत टाइम का भाई। ओह आई लाइक योर गाड़ी, मैं बैठ सकता है? चंग ट्राइब का बुड्ढा लोग ऐसे टाइम पास करता है। ही इज नॉट ए वैम्पायर, ये तमिल खाने की वजह से हो जाता है। यू टेक इट। एमरजेंसी कैसा, किसको मारने के लिए? गिफ्ट फॉर यू। ओके मैं दिखे अभी सही लग रहा है। ओके रेडी। गुड आफ्टरनून गाइस एंड वेलकम टू त्वेंचांग अगेन एंड अगेन। एक्चुअली मेरे को होना तो चाहिए था इस डेट के ऊपर किसी दूसरे कंट्री में, बट कुछ ऐसा हुआ कि मैं नहीं निकल पा रहा यहाँ से। एक्चुअली मेरे को यहाँ पे बैठे हुए 15 दिन हो चुके हैं, कुछ पर्सनल रीजंस थे जिस वजह से मैं यहाँ से नहीं निकल पाया। सो वेलकम टू एस्टर्स होम, माई होस्ट, एंड लेट मी इंट्रोड्यूस यू गाइस टू माई ब्यूटीफुल होस्ट। वेयर आर यू? ओके हियर सी इज। बोलो होय। होय भाई, मेरे लिए स्पेशल पूरी बनाई जा रही है यहाँ पे, और यहाँ पे 15 दिन रुकने का सबसे मेन रीजन यही बोल लो आप। मेरे को इतना प्यार मिल रहा है इनके घर पे, तो मैं नहीं निकल पा रहा भाई। और सबसे मैं जरूरी बात बताता हूँ, मेरे को ILP बनवाना था और वो अब तक नहीं बन पा रहा, क्योंकि नागालैंड में गवर्नमेंट का हाल थोड़ा ऐसे वैसे ही है। तो अब तक जो कलेक्टर वगैरह या जिनके पास अथॉरिटी ILP बनाने का, वो लोग ऑफिसेज में आ नहीं रहे और मेरा ILP नहीं बन पा रहा। और अब चेक करते हैं नागालैंड के घर भाई, छोटी सी जगह में कितना कुछ एडजस्ट कर लेते हैं। इस घर का साइज मुश्किल से 20x30 होगा, लेकिन पूरा जो एस्टिमेट अपने 60x60 में भी नहीं बन पाता, वो इस घर के अंदर है। ओके चेक इट आउट, दिस इज द गेस्ट रूम, जिसका साइज होगा आराम से 12x12 मेरे को लग रहा है देखने में। और ये नागालैंड में घरों पे आपको स्पेशल डेकोरेशन मिलेगा, दाव 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 बहुत सारे तरीके के। और ये वाला चीज़ ढाल, जो कि पुराने टाइम में युद्ध वगैरह में काम में लेते थे ना तलवार से बचने के लिए। तो ये हो गया एक रूम, और ये हो गया दूसरा बेडरूम जो मेन बेडरूम है। और भाई साइज छोटा हो चाहे बड़ा हो, एडजस्ट कितना अच्छे से करके रखते हैं। जो कैरेट्स होते हैं ना इसके अंदर, देखो अपना अलमारी बना रखा है। और अब दिखाता हूँ मैं आपको नागालैंड का सबसे स्पेशल चीज़, जो कि हर घर के अंदर मिलेगा ही मिलेगा। चेक इट आउट, राइफल कमांडो UTA 200। ये ऐसे लगता है देखिए कि नागालैंड में हर घर में मैंडेटरी है भाई। यार वाइल्ड लाइफ एक्ट के तहत नागालैंड में कहने को तो हंटिंग बैन है, लेकिन जो लोग चेक करते हैं अथॉरिटी है कि हंटिंग हो रहा है या नहीं हो रहा, वो लोग भी हंटिंग पे जाते हैं। सो अब चलते हैं तीसरे रूम में। नॉक नॉक। ये लोग इसको स्टोर रूम के जैसे यूज में लेते हैं। देयर इज अ डायन। एंड अब चलते हैं लॉबी में। ये हो गया एंट्री गेट के ऊपर ही लॉबी कुछ ऐसा, और ये सामने वाला किचन जो आपने देखा ही था भाई। 20x30 के अंदर ऐसा कैसे यूज में ले सकते हैं, सोच भी नहीं सकते। चार रूम, एक लॉबी, किचन, टॉयलेट, बाथरूम पीछे की तरफ है, माइंड ब्लोइंग। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, इसको बनाने में कोई ज़्यादा बजट भी नहीं लगता, क्योंकि ये पूरा लकड़ी से बना हुआ है ना भाई, तो आराम से मेरे हिसाब से 4-5 लाख में इजिली बन जाता होगा। एस्टर व्हाट डू यू थिंक, व्हाट्स द बजट ऑफ दिस होम अगर ऐसा बनाना चाहें तो? ऐसे के होगा 4-5 लाख। 4-5 लाख में हो जाएगा ना आराम से। अगर ऐसा ज्यादा ऐसे भी हो सकता है, इससे भी कम में। अकेला अकेले खा रही हूँ, मेरे को पूछा भी नहीं, गेस्ट हूँ मैं तुम्हारा। शर्म लगता है? नहीं। भाई चेयर भी खुद ही लेके आना पड़ता है। दिस इज हाउ नागा गर्ल्स ट्रीट देयर गेस्ट। जस्ट किडिंग भाई, अगर ऐसे ट्रीट करता तो यहाँ पे मैं 15 दिन नहीं रुकता। आप लोग ऐसे जैसे हमारी तरफ क्या होता है, किसी में भूत घुस जाता है तो उसको लेके जाते हैं, वो मौलवी निकालता है या फिर कोई और निकालता है, आपकी तरफ भी ऐसे भूत घुस जाता है? होता है ना, जो विचिन्न होता है ना, विचिन्न जो वो लोग ऊपर लगा जो पावर होता है ना, वो लोग को लेके प्रेहू में ले जाएगा। तो वो लोग ऐसे लास्ट टाइम लास्ट ईयर ना कि क्लास 9 का सुबह में स्कूल गया, वो घर में वापस नहीं आया, ढूल के गया तो जंगल में मिला वो लड़का, सुसाइड हो गया ना उसका जो आत्मा उस जगह पे। हाँ वो लेके गया, तो पूरा लड़का का आत्मा लेके गया। जो घर पूरा लॉक था ना, वो खेती का घर जो पूरा लॉक था, लेकिन वो कैसे अंदर में घुसा पता भी नहीं चला, पूरा ताला इतना बड़ा। तो आत्मा तो नहीं, कहीं से भी घुस सकता है ना, ऐसे इसके अंदर से भी घुस सकता है। आत्मा तो घुस सकता है, पर वो इंसान था ना, वो तो लड़की था, उसको कैसे लेके गया? वो स्कूल का यूनिफॉर्म था राइट, तो वो वाला बोल रहा था उसको ऐसे बोतल में डाल के ले गया होगा। भाई सीरियसली ये वाला चीज ना आपको कहीं नहीं मिलेगा इंडिया में। इतना ज्यादा मानते हैं भूत प्रेत को मानते हैं, लेकिन जितना नागालैंड में मानते हैं ना, इतना कहीं पे भी नहीं मानते। हर गांव में हर घर के पास ऐसे 4-5 हॉन्टेड प्लेस मिल जाएंगे जहाँ पे कोई नहीं जाता। सो जल्दी जल्दी पैके करते हैं, क्योंकि टाइम जो है वो 2 हो चुका है और मेरे को यहाँ से 50 किलोमीटर दूर जाना है, और उस रास्ते के ऊपर पूरा कोई ट्रांसपोर्टेशन नहीं है। वो मेरा लक होगा अगर मेरे को कुछ मिल जाए तो। भाई ये देखो ये लड़की मेरे को क्या क्या डाल के दे रहा है। इसमें डाल दिया सुई,
इसका क्या करेगा मैं? बैग चला सकता है रास्ते में कुछ ऐसे डूट गया फट जाए तो ज्यादा चलने से। ओके चलो चलो ये डाल दो रास्ता में जरूर पड़ेगा आपके लिए कुछ हो गया तो इमरजेंसी। इमरजेंसी कैसा? किसको मारने के लिए? मारने के लिए नहीं तो? वो आपको कुछ लकड़ी काटना होगा। दाव भी दे रहा है मेरे को, इतना ध्यान कौन रखता है भाई, ये तो मेरा मम्मा बना बैठा है। थैंक यू मम्मा। ओके हेड हंटर मम्मा। और जाते जाते मौसी को गिफ्ट कर देते हैं एक मेरा, क्योंकि मौसी ने मेरे बिल्ली का बहुत ध्यान रखा है। मौसी गिफ्ट फॉर यू। ओके मई दिखे मैंने ध्यान से देखा कि कुछ भूल नहीं गया हूँ मैं, लेकिन नहीं भूला शायद। और अब उठाते हैं अपनी चीरी को, कुछ बिल्ली लड़कियां बहुत प्यार से खेल रही हैं उसके साथ, उनको बुरा लगेगा मैं लूंगा तो। बिल्ली को छोड़ो, गिव मी माय चीरी। बैग बैग कैरी बैग नो लेट्स गो अभी तो बहुत घूमना है ना हमें। ओके 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 इसका भी मन नहीं कर रहा शायद इनके पास रहने का, कर रहा है यार। इस फैमिली ने मेरे को क्या कुछ नहीं दिया, सब कुछ अपना दिल खोल के रख दिया मेरे सामने। और यार कैसा फील हो रहा है मैं नहीं बता सकता, बहुत ज़्यादा हर्ट वाला फील हो रहा है मेरे को, लेकिन जाना पड़ेगा। मैं भी कुछ ऐसा गिफ्ट करना चाहता हूँ, बट मेरे पास कुछ ऐसा स्पेशल नहीं है। ये गिफ्ट कर दूँ तो कैसा रहेगा? मैं अपना जो सबसे प्यारा चीज़ है मैं दे रहा हूँ इनको भाई, और कुछ तो स्पेशल नहीं है मेरे पास। एंजल उसको बाहर निकालो, यू टेक इट। हाँ नो टेक इट। ओके गिफ्ट फ्रॉम माय शायद। हाँ इसका ध्यान रखना। ओके दूध पिलाना, टाइम पे इसको साफ करना, नहलाना, ठीक है? और ये जब रोए ना तो इसको ऐसे अंदर डाल के सो जाना, ठीक है? फिर नहीं रोएगा। ओके टाटा। टाटा तुम रोएगा नहीं? इसका क्या करूं मैं, खाऊं? बाय बाय बेटा। यार इतना गंदा ना, जब रिलेटिव्स के पास जाते हैं तो नहीं लगता, क्योंकि हमें पता होता है कि वापस आने वाले हैं, और अभी कोई आइडिया नहीं है ना कि वापस कभी जिंदगी में मिलेंगे अभी या नहीं। लेट्स गो। अच्छा वैसे चल के दिखाना। तो घर से बाहर निकल के हम लोग मार्केट एरिया में पहुंच चुके हैं, जहां से मेरे को जंक्शन से तोबू के लिए निकलना है। भाई ये लोग कैसे केयर कर रहे हैं, जैसे मम्मी केयर नहीं करती बच्चा जब हॉस्टल में जाता है, ये लेगा। अरे भाई मैं पहली बार नहीं जा रहा, बट ये नहीं समझ रहे। एंड शॉप में देखो मेरे को क्या मिला। अरे वही तो दिखाना था ना, ही इज नॉट ए वैम्पायर। ये तमुल खाने की वजह से हो जाता है। और यहाँ पे भाई लोग इतना तमुल या क्वाइन नहीं खाते, यहाँ पे पान ज़्यादा खाना प्रेफर करते हैं। और माई होस्ट इज मेकिंग सम पान, उनको दूसरे का बना हुआ है पसंद नहीं आता, खुद प्रिपेयर करके। डैडी बांद भी लोग यूज करे ऐसा चल रहा है यहाँ पर। अभी बताओ आप मेरा इतना केयर क्यों कर रहे हो, ये दे रहे हो छोटा छोटा चीज, सॉक्स पहना रहे हो, मेरा बाल बना रहे हो, मेरे को नहला रहे हो। अरे क्यों नहीं करे, हम नगर लोग का ऐसा ही बहुत बड़ा दिल है मेहमान को स्पेशली। और ये जो सामने आपको सेक्सी सा बिल्डिंग दिख रहा है, ये यहाँ का डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल। भाई मैंने यहाँ का पुलिस स्टेशन देखा, प्ले ग्राउंड देखा, सब कुछ गवर्नमेंट बिल्डिंग्स देखा, लेकिन चर्च और हॉस्पिटल का बिल्डिंग अच्छा मिलेगा यहाँ पे। भाई 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 देखो रास्ते में घर कैसे आ रहे हैं प्यारे प्यारे। मैं एक दिन आएगा तुम्हारे नागालैंड में, ठीक है? आना बड़ा परमानेंट आएगा, जब बुरा हो जाएगा ना यहीं पे घर बनाएगा ऐसा वाला छोटा छोटा ऊपर से होगा ना, मैं और यंग होते जाएगा ना। यार ये वाला एरिया मैंने पहली बार देखा है ऐसा नागालैंड में, जहाँ पे अच्छा रोड्स है। थोड़ा थोड़ा गड्ढा वगैरह है, लेकिन ये भी नागालैंड में बहुत अच्छे में आता है। यार यहाँ पे 2 किलोमीटर चलने के बाद गांव चेंज हो जाते हैं। वेलकम टू चोंगपोक खेल। चोंगपोक खेल
चोंगपो खेल मतलब मीनिंग तो नहीं पता मुझे भी। ओके ये चांगा होगा ना, चांगा हम लोग को ट्राई करेंगे ना। भाई सामने हेलीकॉप्टर जा रहा है हमारे, आपको दिख तो नहीं रहा होगा लेकिन साउंड सुन रहा होगा। तो मेरा होस्ट हेलीकॉप्टर का कहानी सुनाना चाहता है, नागा लोग का आज से 100 ईयर्स को कैसा होता था। ओके टेल मी नाउ, पहले जो मेरा ग्रैंड मदर लोग था ना उस टाइम पर क्या था कि ऐसे हेलीकॉप्टर आने से वो लोग सब छुप जाता था अंदर में, कोई भी बाहर में मत जाओ, ऐसा एक कहानी है। क्यों छुप जाता था? डर था ना, उनको कोई नॉलेज नहीं था क्या आ रहा है ऊपर से, क्या हो रहा है, ये क्या है साला। और यहाँ पे देखो भाई, चांग ट्राइब का बुढ़ा लोग ऐसे टाइम पास करता है मोरंग के सामने बैठ के। किनी आशे भाई भाई भाई, जस्ट लुक एट द डेकोरेशन नेक्स्ट टू द नागा होम्स। मिथुन है ये, और ये जो सामने दिख रहा है ये यहाँ का गवर्नमेंट स्कूल, ये भी पूरा लकड़ी से बना हुआ, हर चीज़ आपको यहाँ पे विंटेज मिलेगी, बिल्कुल ओल्ड स्कूल वाला, जस्ट लुक। ऐसा लगता है ना भाई 1850s में जब ब्रिटिशर्स थे उस टाइम में स्कूल्स होते थे इंडिया में, सेम वैसा। सो 2 किलोमीटर चलने के बाद हम पहुँच चुके हैं कुछ ऐसी लोकेशन के ऊपर, एंड इट्स टाइम टू चेंज माई बैग। भाई 15 दिन के बाद उठा रहा हूँ तो बहुत ज़्यादा भारी लग रहा है। तुम उठाएगा ये वाला, मेरे को दो, देखता है कितना खतरनाक है। पीछे मत गिर जाना इसके साथ में, साथ में गिर जाएगा। हाँ ये स्ट्रॉन्ग लड़की है ना, गांव का लड़की ना, नगा लोग ऐसा होता है। अच्छा इसका बैग देखो, नीचे टच होने को हो रखा है। और भाई एक और स्पेशल चीज दिखाता हूँ मैं आपको चांग घरों के बारे में। ये जो आपको सामने दिख रहा है ये डेकोरेशन नहीं है, जो मक्का लगाया है ना ये नेक्स्ट ईयर खेत में यूज करने के लिए सीड्स है इनका। ओह घर में कोई कांड हो गया, रो रहा है कोई। मैं निकलता हूँ भाई। भारी है या नॉर्मल है? नॉर्मल ही होना चाहिए भाई, क्योंकि हमें 2 किलोमीटर तक और पैदल जाना है। मैं भारी नहीं सुनना चाहता तेरे मुंह से। वो देखो भाई यार क्या खतरनाक सीन आ गया है सामने, कोई एक्स सोवियत कंट्री लग रहा है सामने देखने से। सोवियत टाइम का, सेम सोवियत टाइम का भाई। आई देखो इनका गेम्स भी वही चल रहा है आज से 100 साल पुराना वाला। ओह आई लाइक योर गाड़ी, मैं बैठ सकता है? भाई यहाँ पे हर घर देख के मैं फैसिनेट हो जा रहा हूँ और जाने से नहीं रोक पा रहा खुद को, जाना तो नहीं चाहिए ऐसे करते, मैं कब तक पहुँचूंगा पता नहीं, लेकिन देखो आप चीज़ ही कुछ ऐसा है। जस्ट लुक देयर, ये डेकोरेशन है भाई इनका, एंड जस्ट लुक हियर, चांग लोग अपना दिन कुछ ऐसे स्पेंड करता है। किन्नी आशे बाकी सब तो देख लिया, अब इंजॉय करो नागालैंड की रोड। तुम तो पूरा काला हो गया रे भाई, लड़की का हालत दिखाता हूँ मैं बैग उठाया उस वजह से। ये देखो दे 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 दे, तेरे को अभी चक्कर आने वाला है, चक्कर आ जाएगा सच में। अच्छा ब्लड सर्कुलेशन रुक गया इसका, इस वजह से रेड हो रखा है। नहीं चेंज हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं, मैं उठा लूंगा ना। ओए दे दे ये ले ले छोटे वाला, आ गया भाई। ये चीज़ देखो नागालैंड का स्पेशल चीज़, यहाँ पे जंगल में रैंडम लोग आपको ऐसे घूमता हुआ मिलेगा। शिकार मिला? चिड़िया? नो चिड़िया? भाई चलते चलते हालत कुछ ऐसा हो गया, तो जंगल के बीच में थोड़ा रेस्ट करते हैं और उसके बाद आगे निकलते हैं। भाई पब्लिक वापस आ रही है जंगल में जाके वापस अपने घर के लिए, लकड़ियाँ वगैरह इकट्ठी करके लाए हैं लोग, और सनसेट बिल्कुल हो चुका है और मैंने ये टाइम सेलेक्ट किया है तोबों के लिए। ऐसा भी क्या मजबूरी है, कौन सा जन्म में मैंने क्या गलती किया, देखो क्या हालत है मेरा। बड़ा गलती किया था कोई। सो पार्टी जो और ऐसे बैठने से काम नहीं चलेगा, तोबो इज 50 किलोमीटर अवे फ्रॉम हियर, चलना पड़ेगा। ले लो बोलो की प्लाई तोबो थेंग बरा जाई ऐसे। भाई नागालैंड में पैदल चलने के लिए जो हमारे यूज करते हैं ना, यहाँ पे भाले जैसा यूज करते हैं बुढ़ा लोग ऐसे स्पोर्ट के लिए। तो बिशी भालाशी स्पीयर स्पीयर या ओके ओलाई ये ले लो बाबा सर। तो थोड़ा सा आगे चलते ही कुछ ऐसा व्यू आ चुका है, और तोबू के लिए ये वाला जो रास्ता दिख रहा है ये वाला जाएगा।
यार रात जो है वो बिल्कुल होने वाली, जंगल में अंधेरा छा चुका है, आपको दिख रहा होगा पीछे, बस थोड़ा थोड़ा रोशनी बचा है। और यहाँ से पहला जो गांव है वो आएगा हाचांग, 14 किलोमीटर्स, और ये लोग थोड़ा सा आगे मेरे को ड्रॉप करके वापस निकल जाएंगे, उसके बाद हमारे हवाले वतन साथियों। Cause I don't give a fuck what you say. Yeah, I'ma do shit my way. So you can go kick rocks, I'ma stack bricks up, build what I want to make. Yo, I got a lot of shit to say, so I'ma do this every day. I'll be writing things until I'm fucking buried in my grave. 6 feet deep under, but my body won't decay. Cause my messages are timeless, so they'll put them on display. Oh yeah, I rap with a certainty, I have a sense of urgency. A message for eternity, for everyone internally. I had some people burning me, but now they fucking learn to see I ain't the one to fuck with. Now they looking nervously, and I don't really care what you think of me respectfully. You can kick rocks if you think you're fucking better, see. I will outwork you, turn you to an enemy. Hurt you so bad that you're gonna need some therapy. I got the motherfucking recipe. I've been cooking up hits, I'ma leave a legacy. You'll be looking small when you're standing right next to me. I'm 5'10", bitch, but I'm 10 feet next to me. I don't give a fuck what you say. Yeah, I'ma do shit my way. So you can go kick rocks, I'ma stack bricks up, build what I want to make. Cause I don't give a fuck what you say. Yeah, I'ma do shit my way. So you can go kick rocks, I'ma stack bricks up, build what I want to make. Yeah, I'ma do it my way. He found